आपने देखा इंपीडेंस डायग्राम। अब इस इंपीडेंस डायग्राम को यदि आप और सिंपलीफाई करना चाहें तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, ये आपके पास है रेजिस्टेंस आर, और ये दोनों जो आपके पास फेजर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो आप इनको जोड़ के लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्सी के बराबर। एक्स एल माइनस एक्सी इसको लिखा जा सकता है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है, और इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो आने वाला है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आने वाला है, जिसको कहा जाता है जेड, जिसको कहा जाता है जेड। और जेड की वैल्यू कितनी होती है भाई, एक्स एल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये इस जेड की वैल्यू होती है। अब जेड और आर के बीच में जो एंगल होता है बेटा, उसे कहा जाता है फाइव, उसे कहा जाता है फाइव, उसे कहा जाता है फाइव। अब ये एंगल फाइव जो है, ये वही एंगल है जो वोल्टेजेस के बीच में था। आप यहां पे देखिए कि जो एंगल इस टोटल वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के बीच में था फाई, वही एंगल ये फाई आपको मिल रहा है, वही एंगल फाई है। और यहां पे तो इसको ये भी बता सकते हैं कि ये करंट वाले फेजर और टोटल वोल्टेज वाले फेजर के बीच का एंगल भी फाई के बराबर है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि ये फाई क्या है साहब। तो यहां पे फाई जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन या फेज एंगल बिटवीन, फेज एंगल बिटवीन टोटल वोल्टेज एंड करंट, और टोटल वोल्टेज एंड करंट फेज, और वी कैन से जेड एंड आर फेजर्स, इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो फाई के बराबर है। तो इसकी वैल्यू जो है हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि भाई ये जो आपके पास वोल्टेज वाले डायग्राम में जो फेजर था वो कुछ इस तरीके से था, ये आपके पास था वी आर था, ये आपके पास था वी टोटल, ये एंगल था आपके पास फाई, और यहां पे ये वाली जो साइड थी वो कितनी थी, वी एल माइनस वी सी के बराबर, वी एल माइनस वी सी के बराबर थी ये वाली साइड, ये एंगल था फाई के बराबर, और यही था आपका करंट की वैल्यू, करंट आई। ऐसे ही आप इंपीडेंस डायग्राम में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये वाला जो है, ये वाला जो फेजर है उसकी लेंथ मिलेगी आपको आर के बराबर, जो आपके पास टोटल इंपीडेंस था वो आपके पास जेड के बराबर था, ये एंगल था फाई के बराबर, और ये वाली जो साइड है वो किसके बराबर थी, आपके पास एक्सएल माइनस एक्सी के बराबर, एक्सएल माइनस एक्सी। तो आप यहां से लिख सकते हैं, टेन फाई लिख सकते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू, टेन फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय वी आर, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाय वी आर लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। जनरली इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा होता है, इसका इस्तेमाल कम होता है, होता जरूर है इसका भी और इसका भी, दोनों बात एक ही है यार, एक ही बात है। वी एल की वैल्यू आप जो है आई एम इंटू एक्सएल लिख दो, यहाँ पे आई एम इंटू एक्सी लिख दो, यहाँ पे आई एम इंटू आर लिख दो, तो यही फार्मूला जो है आपको बन जाता है। अब टेन फाई के अलावा हम कॉस फाई की वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे होता है कॉस फाई, जिसका नाम होता है पावर फैक्टर। मैं बताऊंगा कि क्यों इसका नाम पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर कहें या कॉस फाई कहें, कॉस फाई की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं चाहे यहां से निकाल सकते हैं। यहां से आप देखेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस जो है वो कॉस फाई के बराबर है, यहां पे होगा वी आर अपॉन वी टोटल, वी आर अपॉन वी टोटल जो है इसकी वैल्यू है। और यदि इंपीडेंस डायग्राम से देखें, इंपीडेंस डायग्राम से देखें तो इसकी वैल्यू है आर बाय जेड के बराबर, आर बाय जेड, आर बाय जेड। तो ये पावर फैक्टर की वैल्यू है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, cos phi is equals to r by z। कोई पूछे phi क्या है, यहाँ पे phi is the angle between current and voltage vector, voltage phasor, या फिर कह सकते हैं कि total voltage और current के बीच का ये angle है। अच्छा दो बार लिख दिया क्या, इसको vr कर दो भाई, इसको vr कर दो, वो v total and vr के बीच में angle है, v total और i के बीच में angle है, और z और r के बीच में जो है angle ये phi के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अब सर्किट में बात करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं नोट में, नोट नंबर वन ये है कि इफ इन द सर्किट, इन द एल सी आर सर्किट,
यदि हम एलसीआर सर्किट की बात करें और एक्सएल और एक्ससी आप निकाल चुके हैं, एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर, एक्ससी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के बराबर, यदि इनमें से एक ज्यादा है तो इफ इन द एलसीआर सर्किट एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल जो है वो ज्यादा है एक्ससी से, तो इसका मतलब होता है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, तो जो सर्किट है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इंडक्टिव हो जाता है। तो यहां पे हम लिखते हैं देन सर्किट इज कॉल्ड, सर्किट बिहेवियर बिहेवियर इज नोन एज इंडक्टिव, इंडक्टिव बिहेवियर हो जाता है और उस सर्किट को इंडक्टिव सर्किट कहा जाता है, एंड दैट सर्किट इज कॉल्ड एंड दैट सर्किट इज नोन एज इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट उसे कहा जाता है, यदि इंडक्टिव यदि सर्किट है तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज वहां पर लीड करता है करंट से, जो टोटल वोल्टेज होता है वो लीड करता है करंट से, टोटल वोल्टेज जो है लीड करता है करंट से, एंगल पाई बाई टू नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं है। यदि आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो वहां पे वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, लेकिन यहां पर आपके पास कैपेसिटर रेजिस्टर भी है साथ में, तो हम ये श्योर नहीं हो सकते हैं कि एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं, बट यहां पे ये श्योर है कि वोल्टेज हमेशा आगे होगा फेज में करंट से। तो यहां पे हम लिखेंगे एसओ एंड वोल्टेज ऑलवेज लीड्स द करंट। और यदि वो एंगल आप निकालना ही चाहते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में, तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है, फाई को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स आर बाय जेड, इसको लिखा जा सकता है फाई को, इतने एंगल से वोल्टेज जो है वो लीड करेगा। यदि आपके पास करंट की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी है तो वोल्टेज लीड करना चाहिए, तो वोल्टेज की वैल्यू होने वाली है वी एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपको वोल्टेज की इक्वेशन यहां पे मिलने वाली है। दूसरे नंबर के नोट में आप लिखने वाले हैं, दूसरे नंबर के नोट में लिखेंगे यदि किसी एलसीआर सर्किट में एक्ससी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एक्सएल से, यहां पर मैं लिखूंगा इफ इन अ सर्किट एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो उस सर्किट को कहा जाता है कैपेसिटिव सर्किट। Then the circuit is called capacitive circuit। और कैपेसिटिव सर्किट में होने से क्या मतलब होता है कि करंट इसमें लीड करता है वोल्टेज से, तो यहां पे लिखते हैं करंट जो है लीड करता है वोल्टेज से, और वो एंगल जो है जिस एंगल से वो लीड करता है वो फाई की वैल्यू होती है आपके पास कॉस इनवर्स आर बाय जेड, उसकी वैल्यू होती है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। इसमें भी आप लिख सकते हैं एक ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, इसको कॉस इनवर्स लिखें चाहे इसको टेन इनवर्स लिखें, और यदि आपके पास करंट की इक्वेशन है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो आप यहां से वोल्टेज की इक्वेशन लिख सकते हैं, वोल्टेज की इक्वेशन होगी वीएम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, वोल्टेज लैग करना चाहिए करंट लीड करना चाहिए माइनस फाई, ये आपको इक्वेशन मिल जाती है यहां पर। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी योर फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े, ये डिटेल है। माई बैचेज फॉर आईआईटी जेई कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि ट्वेल्थ क्लास का, उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5th मई से,
ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना आईआईटी जेई का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है, कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर, अक्टूबर नवंबर एंड तक ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना आईआईटी जेईई का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना आईआईटी जेईई का एग्जाम देना है उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29th मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं, तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।